पति बप्पा मोरिया। हेलो हेलो, हाँ बुआ जी, राम राम। कहा के रहे तुम? अच्छे लाल की मोड़ा ने घर से निकाल दो अपने मताई बाप हम। काय कैसे कैसे बताओ लड़का बिटिया है संसार में, काल संतान साथे आ है वो आज घर से निकाल दो। ऐसा ही तो छतरपुर में हम अचू भौजी का बताइए हम तुम्हें। छतरपुर के तुम आश्रम में चले जाओ, वृद्धाश्रम में। बूढ़े बाड़े उतई पे डरे न कबू लड़का बिटिया पूछ भी आउत न बहुए पूछ भी आती कि का होगा। हाओ इतने पे भी जो ही मचो तन कहू लाज ना लगी बता अच्छे लाल हाँ निकाल दो घर से। फिर भी तुम देखियो भौजी मताई की आत्मा वहां संतान साथे पास उराने हैं। मताई की आत्मा होता ही ऐसी, चाहे लड़का बच्चा कितना मारे कितना कूटे कछु करे घरे आए गाली गलौज दे लेकिन उन्हें फिर भी लड़का बच्चा के लाने सोचने ही है। मिलन तो अच्छे लाल हम बताई थे ही था तन कहू लाज ना बनी ठटरे की बरे ना। ठीक है भौजी, हाओ हाओ हम जाई ताए बुंदी ली चुगली में संतान साथ हो बताने यहाँ है। तुम का यहाँ टेंशन ले रहे? अब तुमने टेंशन तो दे दी हमें कि बताओ बब्बा बहू का घर से निकाल दो। ठीक है हम संतान साथी की पूरी विधि विधि बता के आ रहे। ठीक है फिर लगा भी फोन भौजी। हाँ हाँ राम राम। राम राम पहुंचे ढिलापुर से आ गई ढिलापुर वाली। बताओ का मचू जो हमें कछु समझ में नहीं आ रहा हुआ है। लड़का बिटिया बहुए समझ में नहीं आ रहा कर भी का वाले निकाल दो घर से। कछु नहीं है दिमाग तो है ही हमारा खराब। फिर भी लेकर अब भौजी को फोन आ गो कि संतान साथ बताया ही जी चीज बुंदेली चुगली में, सो हम भी देख के पूजा पाठ कर ले भी। सो हम आ गए संतान साथ है काल पता तो हुई है ना कछु थे का लाओ हमने सो बता भी सब कछु सो बताई तो है। संतान साथे में का करो जात पहले आज हम किसा बताए दे रहे उसके बाद में विधि बता दू। ध्यान से सुनियो किसा बता रहे जो कहानियां दो सहेलियन की, एक हती ब्राह्मणी और एक हती रानी। ब्राह्मणी को नाम है तो भद्रमुखी और रानी को हती चंद्रमुखी। का है वे और अच्छी पक्की सहेली हती। अब पक्की सहेली तुम जानते ही हो को के घर में का हो रहा सब पतो रातों ने। वे एक दिन सुबेरे सुबेरे से जागती सो उदय नदी पे खूब सारी औरतें पूजा पाठ कर रही थी। शंकर जी पार्वती जी को उनको पूरा परिवार धरे उनकी प्रतिमा स्थापित करे उदय किनारे नदी के पूजा कर रही थी। सो ब्राह्मणी का पूजा पाठ करवे वाली हती सो ने पूछ लो कि काए दीदी और काए ते का कर रही तुम और सो उनने बता दो कि इत पे हम और संतान साथे को उपासना कर रहे। सो उन्हें कही अच्छा हमें तना बता दो कि विधि कैसे करी जात। सो उनने बता दो सब कछु। सो दो जन ने रानी ने और ब्राह्मणी ने मन ही मन संकल्प कर लो कि हम संतान साथे को उपास रहे भी। सो ब्राह्मणी पूजा पाठ वाली हती सो वो तो वो पास का करात रही कहा भादो महीना पर गौ तू। सो भादो महीने के शुक्ल पक्ष से रही जा संतान साथ है। सो ब्राह्मणी ने शुरू कर दी भद्रमुखी ने। अब रानी सो रानी अपने ठाट बाट में कछु ध्यान नहीं रहा एक बेर उपास कर चार बेर भूल जात। सो कछु नहीं उनका कष्ट भोगने पर फिर भी और कछु दिना बाद मर गए। अब दूसरो जन्म भाव रानी को ब्राह्मणी को। सो दूसरे जन्म में ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। मुर्गी जो कुकड़ू करती उनको जन्म मिलो खा और जो बंदरिया नहीं होती ऐसे खुजात रात सो उनको जन्म मिलो रानी। हाँ सो रानी कहे हाँ मुर्गी तो सब कुछ याद रखती ब्राह्मणी उन्हें इस जन्म में भी उपास अच्छे से करो संतान साथ है को शंकर पार्वती को अच्छे से उपास करात रहे। लेकिन कछु नहीं है रानी जो हती बंदरिया वो सब कुछ भूल गई जो जन्म में भी जो ही हाल हो उनको एक बेर करा दो बेर भूल जा। कछु नहीं है इस जन्म में भी जो ही हाल है सो कष्ट भोगत रही जो जन्म भी पार होगा उसे भी ऊपर चली गई दो जने। अब बहुत तीसरो जन्म बहुत इंसान को जो ब्राह्मणी हती कर्म अच्छे करो सो भगवान अच्छो फल दे है। सो ब्राह्मणी को तीसरे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म मिलो। खूब सुंदर हती वो उनको नाम रखो गो भूषण देवी। इतनी सुंदर थी वो कि आदमी मरत तू से ब्याह कर भी के लाने।
शिव को अग्नि शील गोकुल के अग्नि शील राजा शिव को ब्याह करूंगा। वो इतनी सुंदर रति भूषण देवी जन ब्राह्मणी थी कि जो कामदेव की पत्नी है रति देवी लजाती हूँ के सामने इतनी सुंदर रति अगर वो गेन है ना कछु ना पहने फिर भी बिल्कुल चमकती चांद साई। और जो मुर्गी की योनी तीसरे जन्म में जो इंसान हो तो जन्म ऊको का बोला थे रानी को फिर सब कछु भूल गई और बास तो याद ही ना रखती जो उनका छू पर चली जन्म को तो वो भी सब भूल गई थी। लेकिन ब्राह्मणी का सब कछु याद तो कि हम संतान साथे वो पास कर भी कौन संकल्प लाओ तो इस जन्म में भी वो करत रही। अब इस जन्म में वो पास करत रही के 8 पुत्र भय बुद्धि से तेज कर्मवीर कर्मनिष्ठ और अच्छे सत्यवान एक और झूठ ना बोलते हुए सब अच्छे गुणवान भय जैसे कहा सर्वगुण संपन्न बे 8 पुत्र भय ऊखा। अब गए हाँ बुढ़ापे में अधबूढ़ी हो गई रानी ऊ के एक पुत्र भाव वो भी ऐसो भाव भगवान ने ऐसो दाओ कि 9 वर्ष की आयु में ऊखा मर जाए संसार को छोड़ के चले जाने तो वो भी कानो आनो भाव तो अब का है हाँ टेंशन में राखती कि 9 वर्ष आवे वाले हमारा पुत्र मर जाए हम का कर भी सो कछु नहीं है 9 वर्ष भाई सो ऊ को पुत्र मर गओ रानी को। ब्राह्मणी हती वो इतनी अच्छी हती बहुत दयावान हती उन्हें देखो कि जो हमारी सहेली है 3 जन्म से हम साथ में हैं तो उन्हें का करो कि उन्हें जा उनके दुख दर्द बांट बिकलाने अपने 8 पुत्र खलवा के चली गई रानी कहते है जब भूषण देवी हती। अब इतनी चतुर हती वो रानी अब बताओ तुम ऐसा होता है उन्हें का करो लड्डू गन में मिला दो जहर उनके लड़का मैं ब्राह्मणी जो लड़का थे 8 और रानी ने मिला दो जहर और खवा दो सुबह एक न मरे भगवान शंकर पार्वती की कृपा थी एक न मरे। अब उन्हें आके पूछ ली कि जो बताओ रानी रानी ने पूछी उसे ब्राह्मणी ने कि जो बताओ ब्राह्मणी तुमने ऐसे का कर्म करे सुने कही कहे बताओ हमने ईर्षा में तुम्हारे पुत्र मार बिकलाने जहर डाल दो तो लड्डू में लेकिन तुम्हारे एक पुत्र नहीं मरे सो उन्हें बताओ कि देखो जो तुम जो भोग रहे सब कछु वो अपने कर्मन की वजह से भोग रहे और कछु न तुमने 3 जन्म अपन के निकल गए हमें 3 जन्म ध्यान है तुम्हें कछु ध्यान नहीं है अपन ने संतान साथे को उपास करने के लाने ठानी थी तुमने एक बार नहीं रहेंगे एक बार राखी 4 बार भूल जाती सो आज जो तुम्हारी जो दशा है वो वही की वजह से है कहीं कर्म को ले को नहीं बदल सका तो बस तुम भोग रहे सो उन्हें कही अब बताओ हम तुमसे अगर तुमने बता दी हमें विधि संतान साथे की कैसे का करी जा तो हम तुम्हारे बहुत ज्यादा कर्जा मान रहे भी तुम्हारा कर्जा रहे तुम्हारे ऊपर तो शायद वो हम कम चुकाना पे भी तो उन्हें कही ऐसा तुम कछु ना करो हम तुम सब कछु बता रहे सो उन्हें बता दई अब हम तुम उनको बता रहे की पूरी विधि उन्हें बताई रानी को कही बताए जा रहे अपनी बता जा रहे का कैसी की विधि संतान साथ है शुक्ल पक्ष की भादो के महीने की शुक्ल पक्ष हो साथ है का रही जात और संतान साथ है में पुआ सबसे ज्यादा जरूरी होत शंकर पार्वती की तो बताई थी हमने संतान साथ है में शंकर पार्वती यहाँ बैठा लो उनकी धूमधाम से पूजा करी शाम के टाइम पे जो तुम्हारी श्रद्धा भाव अगर सुबह तुमने उठ के चाय पीने हो तो नहा धो के पी लियो अगर ना हो तो ना पियो और साथ थी पुआ तो बनाने ही तुम्हें साथ ब्राह्मण के देवी के लाने साथ तुम्हें खुद खाने और इमें सबसे ज्यादा जरूरी होत धागा होत ऊ के बनाए जात गाड़ा उमें साथ ही गाथे लगाई जाती और वो पहनो जात जो सबसे जरूरी हो गए और पूरा अपने प्रसाद के लाने रख ले ठीक है कुछ बता दे रानी ने ब्राह्मणी ने रानी का सब कुछ बता दो कि जो जो ऐसी कहानी में ऐसी ऐसी विधि है सुन कही ठीक है जो वो पूरा संतान सप्तमी को हमने भी बता दो संतान सप्तमी में शंकर पार्वती की पूजा करने तो मन खा और 60 ठेके पुआ बनाने 60 ठेके ब्राह्मण के देवी के लाने बनाने और गाना तो विशेष कर बनाने तो मन का हाथ में पहन बिकलाने गले में पहन लो जो गले में पहन लगी जो पूरी संतान साथे की कहानी है थी। अब हम एक चीज तो मन से कह वो चार है सो ध्यान से सुनियो कही कि हमें पता है कि झलापुर वाली की बात है सब जने सुनते ही है देखो मताई बाप की जो आत्मा हो वो इतनी अच्छी हो कि भगवान को दर्जा दोगा उन्हें लेकिन जो कोरोना हो सो नाश के परे हो तो वही उनके कारण आओ कहे कहे मताई बाप की तो उनके तन को देखभाल करने नहीं है बहुमन की कह बे पे उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाने जैसे वो अच्छे लाल छोड़े आओ उन्हें बिल्कुल न छोड़ो वृद्धाश्रम में जितो भी पूजा पाठ करती तुम्हारी मताई तुम्हारी घर वाली अनखनी करने हैं सो उनकी इज्जत करो अगर नहीं कर इस कोरोना को बाप आ जाने कछु नहीं कर पाए तुम्हारा और वैक्सीन वो कम नहीं बन पाने
अगर इज्जत करो माँ बाप की, उन्हें भगवान को डर जा रहे हो, सब कुछ सही हो जाए। सामान्य भी दाने ढला परवारी को भी अपने मताई बाप खान को भी हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, अपने मताई बाप को वृद्धाश्रम में ना छोड़ो। सब हम जा रहे फिर से आ गई। राम राम।